नमस्कार, जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। 5 जनवरी 2023 असम अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में आज लिकाबाली टाउन बैप्टिस्ट चर्च के सामने वाली इलाकों में जमीन बेचने और खरीदने पर पाबंदी करते हुए श्री के नेताओं ने असम सरकार के प्रतिनिधि एवं थाना प्रभारी से मुद्दे पर काफी बातें की। साथ ही साथ उन्होंने असम सरकार के ओर से दी गई नोटिस भी लोगों के पढ़ने के लिए टांग दी, जिसमें उन इलाकों पर असम की ओर से जमीन के कागजात देने की बात से इनकार की। हमारे संवाददाता ने श्री इकेन ताओ जी से कुछ सवालात की, आइए सुनते हैं उनकी। तो आज का जो इशू था वो इसलिए जो है मेट्रो जो है लास्ट 2004 से ऑफिशियली चल रहा है मेट्रो, उससे पहले से डिस्प्यूट है। तो आपका ये अभी का जो आज का जो इशू था अर्सवाइल जो ग्रेप का जो है BRTF का जो आपका ये था फॉर्मर जो स्टाफ था, तो इन लोग जो है यूजली इन लोग 90% जो है बाहर का पॉपुलेशन था, नॉन असमिस पॉपुलेशन था। इन लोग जो है यहाँ अरुणाचल BRTF के अंदर में इन लोग काम करता था। तो इन लोग जो है कुछ असम गवर्नमेंट जो है इनको जो है कुछ सर्टेन रिकॉग्नाइजेशन दिया था, तो वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है पहले से। तो मेरा कंटेंशन ये है कि जब डिस्प्यूट को जो है अंदर डी एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल CM असम और ऑनरेबल CM अरुणाचल के अंदर में डिस्प्यूट सेटलमेंट होने जा रहा है, तो मेरा एक ये था कि मेरा एक ये अपील था कि इसको अभी डिस्पोज नहीं करना है असम का पब्लिक। तो ये अपील को लेके मैं अपना काउंसिल का थ्रू जो है मेरा काउंसिल जो एडवोकेट ओजिंग पादा का थ्रू DC देमा जी को एक लेटर दिया था। तो DC देमा जी का तरफ से ये था कि कोई नया पत्ता या इसको जो है सेल करने का राइट देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका डिस्प्यूटेड एरिया है। तो DC देमा जी के उधर से उनका जो ऑफिशियल ऑफिस का थ्रू से जो गवर्नमेंट प्लीडर है उनका थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का थ्रू से एक ये आया था कि वो नॉन कैडेस्ट्रल एरिया है, दैट मीन्स डिस्प्यूटेड एरिया समथिंग है नॉन कैडेस्ट्रल एरिया। बोल के कैडेस्ट्रल एरिया जो टैक्सेशन एरिया होता है तो वहाँ टैक्सेशन नहीं लगता है, बट स्टिल दैन गवर्नमेंट ऑफ असम एक सर्टन रिकॉग्निशन देता है इनको, कोई एक सोनिया बोल के है इनका, तो वो एक दिया हुआ है। एंड देन नॉन कैडेस्ट्रल एरियाज में सेल और रिलीज प्रोहिबिटेड है, दैट मीन्स NOC कैनॉट बी गिवन, और या इसमें पत्ता देने का कोई इशू नहीं बनता बोल के उन्होंने आपका ये गवर्नमेंट ऑफ असम थ्रू जी डिस्ट्रिक्ट जो देमाजी DC थ्रू उनका जो है गवर्नमेंट पब्लिक लीडर का थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देमाजी का उसमें 21/12/2022 को एक लेटर दिया हुआ था। तो इसका चलते हमको पता चला कि कुछ कुछ वहाँ का जो नॉन APST जो वहाँ बैठा हुआ है डिस्प्यूटेड लेन में जो जिसको हम क्लेम कर रहा है इनफैक्ट, तो वहाँ इन लोग जो क्या किया है कि इन लोग जो है कुछ अरुणाचली लोगों को बेच दिया बोल के, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेमाजी का उसमें 21/12/2022 को जो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है सेटल होने जा रहा है बोल के इनको कुछ बनक लगा होगा शायद, पता नहीं, तो इन्होंने अरुणाचल पब्लिक को बेच दिया। तो अभी मेरा वही एक ये है कि अपील है अरुणाचल पब्लिक से कि देखिए आप वेन द मेटर, इसमें मेरा जो मेटर जो है इट्स स्टिल सब्जिडाइज इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच। तो जब मेटर जो सब्जिडाइज है एक कहावत है कैवियट एंटर, दैट मीन्स बायर बी अवेयर,
तो आप लोग को हम वही बोलना चाहता है कि आप लोग अवेयर रहिए ऐसे डिस्प्यूटेड एरियाज में जहाँ में स्पेशली मेट्रो कंसर्न करता है, दो स्टेट्स को कंसर्न करता है। इनफैक्ट जो वहाँ मेट्रो जो है फिर आपका ऑनरेबल हाईकोर्ट में सब्जिडाइज है, इसमें आप लोग एंट्री मत कीजिए। फिर कल को मेरा पेपर में जाएगा तब भी प्रॉब्लम, आसाम का तरफ जाएगा आसाम पब्लिक के लिए चला जाएगा वो भी प्रॉब्लम, क्योंकि आप जो है अरुणाचल हो के आसाम का ज़मीन को जो है यहाँ अरुणाचल के अंदर में कैसे आप एग्रीमेंट ले सकता है, बाद में इश्यू ऐसे आ जाएगा। फिर जाके आपका अरुणाचल गवर्नमेंट का पेपर में चला जाएगा या तो हमारा पेपर में चला जाएगा, फिर आप अरुणाचल लैंड को आसाम पब्लिक से कैसे खरीदा, इश्यू ऐसे आ जाएगा, तो आपका पैसा ऐसे चला जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसमें इन्वॉल्व मत होइए। और जो जो चार लोग इसमें हमको पता चला कि चार लोग खरीदा है, तो इनको भी एक अपील है कि आके मिलिए, बात करता है क्या है सॉल्यूशन, कैसे निकलता है। तो अभी हम अपना लोकल जो स्पेशली गालो बेल्ट एरिया से उनको अपना भाषा में अपील करना चाहता हूँ कि नूनो बोलो बग ना गंदगोल ना जगह लाए का ये प्रॉब्लम है, जहिल हो गए उनके डिस्प्यूट एरिया इसमें एवं बग ना हाईकोर्ट लोची दो आगो में ओके जा अरुणाचल आसाम बाउंड्री डिमार कैसे देते नाम ये पुगला मेमूम रहे ओगर तरह इनकेस अरुणाचल पेपर ला बोलो वो पेपर लाता रहे हमारे वो लिटिगेशन इन ही ऑलरेडी लिटिगेशन हो दो अलग रिक्वेस्ट है नरूम नरूम एक दो ना बोगलो बग ना गंदगोल ना जगह उन्होंने आ रहा है ओका आ बोलो उन्होंने मुर्को हम वो रिक्शम ला मारे कारण अल्लाह उन्होंने बन जी का देव इन बोको उन्होंने बम यो लोग मपा दो निपा का देम। तो वही है उनको एक अपील है एंड थैंक्स वंस अगेन जूम डिजिटल मीडिया फॉर कवरिंग माई इशू टूडे एंड इनफैक्ट पब्लिक को जो है इसको अवेयरनेस दिलाने के लिए आपको थैंक यू वंस अगेन।